बादल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलन वाले बैंस भरा अज केंद्र सरकार के उत्ते वरदे नजर आए। उन्होंने फोकल पॉइंट स्थित CRT के बाहर रोस प्रदर्शन किया, स्किल सेंटर के करोड़ों रुपए के घोटाले होने के आरोप लगाए। उन्होंने मोदी के स्किल इंडिया प्रोग्राम को स्कैम इंडिया प्रोग्राम दसिया। CBI के डायरेक्टर को स्किल इंडिया प्रोग्राम हेठ हो रही इस तरह की धोखाधड़ी की जांच करने की गल भी बैंस भरावान ने आखी। सिमरजीत सिंह मान का कहना है कि दलित नौजवानों के उत्ते जो पैसे खर्च करने की गल केंद्र सरकार करती है वो नहीं हो रहा, यह सिर्फ राजनीतिक शोशेबाजी करते हैं, जबकि कोई ग्रांट इतने नहीं मिलती। तो पिछले 2007 तो लैके 2016 तक का गबन किन्ने का किया, मैं सिर्फ तो सिर्फ दो कोर्सा के तुहाडे नाल सांझे करन वास्ते कागजात लैके आया, जबकि कोर्स 43 चलते हैं। तो इस अरसे दौरान 60 करोड़ रुपये की ठगी के कागजात पुख्ता सबूतों के आधार पर तुहाडे नाल सांझे करन वास्ते लैके आया। तो मैं मंग की आ CBI डायरैक्टर तो मंग की आ जिहड़ा स्किल इंडिया का सुपना प्रधानमंत्री जी का कि यह स्किल इंडिया स्कैम इंडिया किवें बन रहा, जिहड़े सिखियार्थियों नू SC ST नाल संबंधित सिखियार्थियों नू पता तक नहीं कि CTR संस्था है कित्थे है। ये CTR दे मुलाजम अफसर सहबान वख-वख ITIs च जांदे आ, टैक्नीकल कॉलेजेस च जांदे आ, उत्थों सिखियार्थियों की डिटेल लेंदे, एक फॉर्म साइन करा के लै आउंदे कि असी तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़ा तुहानू असी कोर्स करवाउणा 2 महीने का कोर्स। तो उन्हां सिखियार्थियों नू 2 मिनट वास्ते, 2 महीने बड़ी दूर की गल है, 2 मिनट वास्ते भी कितने ट्रेनिंग नहीं। तो प्रति SC & ST दलित सिखियार्थी के नाम के उत्ते केंद्र के 25,000 रुपया प्रति सिखियार्थी ग्रांट मंगवाते हैं, जिदे मैं सारे पुख्ता सबूत लैके आया।